हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज मैं आप लोगों को खरबूजे खाने के फ़ायदे बताऊंगी। खरबूजा, जिसे मस्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, एक मीठा रसदार फल है जो अपने ताज़ा स्वाद और पोषण संबंधी लाभों के कारण खूब खाया जाता है। ये एक स्वादिष्ट मीठा और अलग तरीके की खुशबू वाला पीला फल होता है। इसकी पैदावार गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में होती है। खरबूजे में पानी की मात्रा अधिक होती है जो इसे हाइड्रेटिंग और कूलिंग बनाती है। खरबूजा कई आवश्यक विटामिन और खनिजों जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फोलेट का एक अच्छा स्रोत है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, दृष्टि और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ये पोषक तत्व महत्वपूर्ण हैं। खरबूजे में एडेनोसिन और पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम शरीर में सोडियम को हानि पहुँचाने से रोकने के साथ ही रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। वहीं इसमें पाए जाने वाला एडेनोसिन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में रक्त के थक्के को जमने से रोकता है। इसके अलावा इसमें पाया जाना विटामिन सी धमनी स्क्लेरोसिस को रोकता है और फोलेट दिल के दौरे को रोकने में मददगार है। खरबूजे का लाभ मासिक धर्म चक्र के दौरान भी महिलाओं के लिए उपयोगी होता है। जाहिर है, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेट दर्द या ऐंठन से सूजन होने वाली महिलाएं खरबूजे की सहायता से अपने परेशानियों को कम कर सकती हैं। बालों को झड़ना आज आम समस्या बन चुका है। यदि आप भी इस तरीके की समस्या से परेशान हैं तो आपको खरबूजे से लाभ मिल सकता है। दरअसल इसमें पाए जाने वाला विटामिन बी बालों को झड़ने से तो रोकता ही है, साथ ही बालों का विकास भी करता है। खरबूजे में कैलोरी कम मात्रा में जबकि फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अपने इसी गुण के कारण खरबूजा वजन घटाने वालों के लिए एक अच्छे खाद्य पदार्थ बन जाता है। इसके पाचन की प्रक्रिया भी काफ़ी धीमी गति से चलती है, जिससे कि आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होता है। खरबूजे में पाए जाने वाला बीटा कैरोटीन स्वस्थ दृष्टि को बनाए रखने में सहायक होता है। जब आप खरबूजे के द्वारा बीटा कैरोटीन लेते हैं तो ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो कि मोतियाबिंद को रोकने और दृष्टि के सुधार करने में काफ़ी उपयोगी है। खरबूजे का सेवन हमारे पाचन तंत्र के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होता है। दरअसल ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने वाली आंतों को सुचारू रूप से काम करने में मददगार है। खरबूजे में पाए जाने वाला विटामिन सी और बीटा कैरोटीन हमें कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। दरअसल ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले मुक्त कणों के प्रभाव को काफ़ी हद तक कम करते हैं। ये मुक्त कण ही हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला करके कैंसर को जन्म देते हैं। खरबूजे का अर्क गुर्दों की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, इसलिए इसे ऑक्सीविकिन के रूप में भी जाना जाता है। खरबूजा हमारे फेफड़ों के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है। ये फेफड़ों को पुनर्जीवित भी कर सकता है, विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों के लिए फायदेमंद होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है, ऐसे में इस दौरान खरबूजे में मौजूद फॉलिक एसिड उनके शरीर में फॉलिक एसिड की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा खरबूजे में मौजूद फॉलेट सामग्री विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं में नए कोशिकाओं के उत्पादन और रखरखाव में मदद करती है। खरबूजा में सूजन कम करने के गुण मौजूद होते हैं, इसलिए इसकी उचित खुराक आपको गठिया से जोड़ों दर्द और असुविधा से छुटकारा दिला सकती है। इस प्रकार ये गठिया से आपको बचाने में भी मददगार साबित होते हैं। खरबूजा पोटेशियम से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पोटेशियम मस्तिष्क को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। इसके अलावा इसमें सुपर ऑक्सिड डिसुडासेज भी होता है, जो रक्तचाप को कम करके तंत्रिकाओं को राहत देता है और ये तनाव से भी लड़ता है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।